अस्सलाम वालेकुम। आज हम आई टाइप का फॉर्मेट यूज़ करेंगे और डेटा पाथ पे हम इसको ड्रा करके देखेंगे। ओके, आई टाइप के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे और एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लोड वर्ड जो है वो यहाँ पे चलाएंगे ताकि हमें एग्जांपल के थ्रू उसका पता लग जाए कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लोड वर्ड की। तो पहले उसको देख लेते हैं, उसके फॉर्मेट को। आई टाइप के फॉर्मेट क्या होता है? हमारे पास पहले जो है वो कोड की बिट्स होती हैं, और फिर हमारे पास आर एस होता है और आर टी होता है, और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस होता है जहाँ से हमने डेटा को लोड करना होता है या स्टोर करना होता है। ओके, तो 0 से लेकर हमारे पास 15 तक जो बिट्स होती हैं वो एड्रेस की बिट्स होती हैं, और फिर 16 से लेकर 20 तक हमारे पास आर टी की बिट्स होती हैं, और 21 से लेकर 25 तक हमारे पास आर एस की बिट्स होती हैं, और 26 से लेकर ओप कोड की होती हैं बिट्स 31 तक। ओके, तो हम इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास इसका कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है कि लोड वर्ड करवाना होता है डॉलर एस नॉट के अंदर या किसी भी रजिस्टर के अंदर, और उसके आगे हमारे पास एड्रेस होता है जहाँ से हमने उस डेटा को, बेस एड्रेस होता है जहाँ से हमने डेटा को रीड करके उस रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाना होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डॉलर S1 में जो है वो बेस एड्रेस पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है लोड वर्ड की। तो अब हम इसके ऊपर हम रन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास डॉलर S1 जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये बेस एड्रेस है। तो ये बेस एड्रेस में यहाँ पे ले जाऊंगा, और ये ऑफसेट जो है इसको मैं ऐड करना होता है आर एस के साथ हमेशा, बेशक ये लोड वर्ड की है या स्टोर वर्ड की, मैंने हमेशा इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे मेरे पास बेस एड्रेस आएगा। ओके, मैंने क्योंकि राइट बैक करवाना होता है आर टी के अंदर, तो राइट बैक जो है यहाँ पे आर टी में चला जाएगा S0। तो S0 में यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर S0, और यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, और ऑप कोड जो है वो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का और स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सिंपल फॉर्मेट। तो अब हम अगर रन करें डाटा शीट पे तो हमारे पास आई टाइप या लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ इस तरह एग्जीक्यूट होगी कि हम पहले पीसी से डेटा को रीड करेंगे और इंस्ट्रक्शन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को ले आएंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेकर हमने आर एस में, जो कि ये आर एस है, ये आर टी है और ये आर डी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये आर एस वाला भी यूज करना है और आर टी वाला भी यूज करना है। बट अब क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है अभी कि आर टी जो है वो राइट बैक रजिस्टर है, ठीक है, जहाँ पे हमने राइट बैक करवाना है। असल में ये काम होता है ना, रीड करो यहाँ से 0 डॉलर S1 से रीड करो और इसके अंदर रखवाओ डेटा को। तो ये असल में काम होता है लोड वर्ड का। तो हम यहाँ से आर टी जो है, आर डी तो यूज ही नहीं होगा, आर टी जो है यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे 0 देंगे रजिस्टर डेस्टिनेशन में। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो रीड या आर एस आ गया। ओके, बट क्योंकि हमारे पास हमने देखा है अभी कि 0 से लेकर 15 तक जो है वो बेस एड्रेस होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना होता है आर एस प्लस एड्रेस को, तो हमने इन दोनों को ऐड करना होता है और ये फिर हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस जो है वो कुछ इस तरह कैलकुलेट होता है कि आर एस और बेस एड्रेस को हमने ऐड करना होता है, तो फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी का एड्रेस आ जाता है, इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इंस्ट्रक्शन से 0 से लेकर 15 जो है यहाँ पे लेंगे और उसको सिंपली क्योंकि ये 16 बिट्स की हैं, 0 से लेकर 15 तक ये 16 बिट्स हैं, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे कि 32 बिट्स बनाने के लिए हम उसको साइन एक्सटेंड का एक कंपोनेंट लगाएंगे और
साइन एक्सटेंड करके हम फिर, क्योंकि हमने आर एस और इस को ऐड करवाना है बे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं ये जो चीज़ है इसको यहाँ पे दे दूंगा, और किसको कैलकुलेट करना है इसको, तो मैं इसको 1 दूंगा और ये यहाँ पे यहाँ चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ पड़ी होगी, अब यहाँ पे मेरे पास इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हुआ होगा। ओके, तो हमारे पास अब ये इफेक्टिव एड्रेस आ गया। तो अब क्योंकि डेटा मेमोरी भी यूज़ हो रही है, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ कि डेटा मेमोरी भी यूज़ होगी। ओके, तो अब इफेक्टिव एड्रेस आ गया, जो भी एड्रेस इस एड्रेस पे डेटा पड़ा हुआ है उसको रीड करना है, तो ये मेरे पास रेड डेटा आ जाएगा। तो ये रेड डेटा हमारे पास यहाँ पे इस एड्रेस पे, इफेक्टिव एड्रेस पे जो पड़ा हुआ है वो यहाँ पे चला जाएगा। डेटा भी आ गया। अब क्योंकि डेटा जो हमने लोड करना था, लोड वर्ड के इंस्ट्रक्शन है क्योंकि, तो हमने लोड करना है एट वर्ड एट आर टी, तो आर टी हमने दिया हुआ है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे बस इस डेटा को राइट बैक करवा दूंगा। तो ये मेरे पास राइट बैक हो जाएगा इन विच रजिस्टर, इन आर टी रजिस्टर जो हमने यहाँ पे राइट रजिस्टर के लिए दिया हुआ है। ये सिंपल आई टाइप का फॉर्मेट है, और स्टोर वर्ड के लिए भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन वो मैं अलग वीडियो में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। और इसके लिए जो है कंट्रोल सिग्नल्स की अगर बात की जाए, तो कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो यहाँ पे रजिस्टर डेस्टिनेशन जो है वो यूज़ तो हो रहा है, बट वो एक मार्क्स में जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 0 दूंगा, तो यहाँ पे 0 जाएगा क्योंकि हमने आर डी को आई टाइप का फॉर्मेट यूज़ करना है। तो जंप की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो डोंट केयर ही रहेगा क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, वो भी एक किसी मार्क्स में जा रहा है। ब्रांच भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये भी डोंट केयर रहेगा। और मेमोरी रीड यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे सिग्नल जो है मेमोरी रीड 1 दे देंगे कि यहाँ पे मेमोरी रीड जो है वो हो रहा है, सॉरी। ओके, मेमोरी से रजिस्टर जो है वो हम यहाँ पे 1 ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 ही देंगे, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे लोड वर्ड है, तो जहाँ भी मेमोरी यूज़ होगी, जहाँ पे भी मेमोरी का इस्तेमाल होगा या मेमोरी का कोई भी काम होगा, तो वहाँ पे आपने ए एल यू ऑप जो है वो 0 0 रख देना है। ओके, आर टाइप के लिए जो था वो ए एल यू ऑप 1 0 था, तो यहाँ पे ए एल यू ऑप जो है वो 0 0 है। ओके, अब मेमोरी राइट जो है, मेमोरी राइट क्योंकि हो रहा है, मेमोरी राइट हो रहा है, नहीं हो रहा, हम यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं करवा रहे, तो यहाँ पे हम जो है वो कंट्रोल सिग्नल 0 देंगे। अब ए एल यू सोर्स की बात की जाए, तो ए एल यू सोर्स जो है वो हम 1 देंगे, और रजिस्टर राइट क्योंकि रजिस्टर राइट भी करवा रहे हैं हम, रजिस्टर में हम डेटा को राइट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिग्नल जो है वो ये 1 देंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कंट्रोल सिग्नल्स फॉर लोड वर्ड और आई टाइप फॉर्मेट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।